चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत ही बड़ी बुरी खबर आ रही है। भोजपुरी फिल्मों के निर्देशक सात कुमार ने आज अपने मीरा रोड आवास पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। अभी उनकी भोजपुरी फिल्म स्वर्ग 24 नवंबर को रिलीज होने वाली थी। सूत्रों से पता चला है कि निर्देशक सात कुमार कई दिनों से बहुत डिप्रेशन में थे। आपको बता दें कि भोजपुरी सिनेमा के शोमैन के नाम से डायरेक्टर सात कुमार भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जाने जाते थे। किसी भी फिल्म को बारीकी से दर्शकों के सामने पेश करने में सबसे बड़ा हाथ फिल्म निर्देशक का होता है। कलाकार चाहे कितना भी बड़ा हो, कितनी भी अच्छी एक्टिंग करता हो, अगर उसकी फिल्म के निर्देशक थोड़ा कमजोर हो तो वो फिल्म अंधे मुंह भोजपुरी या बॉक्स ऑफिस पर गिर सकती है। लेकिन सात कुमार एक ऐसे निर्देशक थे जिनकी त्रिक दृष्टि अचूक थी और उन्होंने आज तक जितने भी फिल्में का निर्देशन किया है वो अपने प्रदर्शन से पहले ही चर्चाओं में शुमार होकर भोजपुरी या बॉक्स ऑफिस पर सफलता का परचम लहराई रहती थी। इसीलिए सात कुमार को भोजपुरी सिनेमा का शोमैन भी कहा जाता है। इनके निर्देशन में अब तक प्रदर्शित हुई भोजपुरी फिल्म त्रिदेव, एक लैला तीन छैला, जबकि रिलीज होने वाली फिल्मों में भैल तोहरा से प्यारा, स्वर्ग, तुम्हारे प्यार की कसम, हिंदी फिल्म दिल जलाओ ना इत्यादि अभी बाकी है। फिलहाल इन दिनों सात कुमार के निर्देशन में इन्फिनिटी इंटरनेशनल बैनर के तले निर्मित की जा रही भोजपुरी फिल्म तुम्हारे प्यार की कसम के निर्माण उन्नत तकनीक से किया जा रहा था। सात कुमार के आत्महत्या से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री सारी शोक में डूबी हुई है।